बीच के छोटे से कस्बे पूरनपुर में संगत पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया कायस्थ लोगों ने मिलकर। जी हां, पूरनपुर में गोपाल सक्सेना जी जो कि पूर्व विधायक सपा से रहे हैं और उनके पुत्र रजत सक्सेना जी जो कि साईं महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, आपने अपने मेहनत से परिश्रम से पूरनपुर में कायस्थ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनको एक साथ मजबूत करने के लिए, उनको एकत्र करने के लिए, उनको उनकी ताकत दिखाने के लिए संगत पंगत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि रहे श्री सिन्हा जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अरुण सक्सेना जो कि विधायक बरेली हैं, वो भी उपस्थित हैं। सभी लोग पहुंचे तो इन सभी का फूल मालाओं से माल्यार्पण करके इनका स्वागत किया गया। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में पीलीभीत और आसपास के जिलों के दूर दूर से आए जिलों के कायस्थ संतगण इकट्ठे हुए और उन सभी ने मिलकर हर्ष जताया और श्री सिन्हा का स्वागत किया। आप हैं श्री गोपाल सक्सेना जी और आप फूल मालाएं पहने हैं। आप हैं श्री सिन्हा जी जो कि मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम रहे और इनको कायस्थ कुल श्रोमणी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, गोपाल सक्सेना जी ने सिन्हा जी को कायस्थ कुल श्रोमणी का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इस दौरान आए हुए मेहमानों के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपने नृत्य से सभी का मन मोह लिया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कायस्थ उपकरण इकट्ठे हुए हैं और सभी के चेहरों पर हर्ष है। यहाँ पर श्री सिन्हा जी ने चित्रगुप्त महाराज के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुलाबी रंग की जैकेट पहने हुए खड़े हैं अरुण सक्सेना जी जो कि विधायक बरेली थे और अब सिन्हा जी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप अपने बाएं से देख सकते हैं कि सिर पर सफेद बालों वाले माइक पकड़े हुए हैं गोपाल सक्सेना जी, उनके बगल में हैं अरुण सक्सेना जी और फिर खड़े हुए हैं श्री सिन्हा जी जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर स्वागत कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उपस्थित जनों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। आप श्री सिन्हा जी फूल अर्पण करेंगे, तिलक करेंगे और माल्यार्पण कर चित्रगुप्त भगवान का पूजन करेंगे। ये सारे के सारे कार्यक्रम बेहद धूमधाम और बेहद उल्लास के साथ मनाए गए। इस दौरान उपस्थित जनों की भीड़ को देखते ही बनता था लोगों का अनुशासन और जिस तरीके से कायदे से बैठकर सभी लोग हर एक कार्यक्रम को देख रहे थे, उसमें सहयोग कर रहे थे, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल थी। किसी भी क्षेत्र में कोई कैद सभा का प्रभाव हो, लेकिन गोपाल जी की सरकार का हमेशा हर कार्यक्रम में सम्मान में स्थान है और उन्हें स्थान दिया गया है। श्री अरुण कुमार सक्सेना जी
अपनी सत्यदारी दिखा रहे हैं। अब श्री गोपाल सक्सेना जी, श्री सिन्हा, श्री आर के सिन्हा जी को पगड़ी पहना रहे हैं। पगड़ी पहनाने के बाद उनको पटका पहनाया जाएगा और माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया जाएगा। सांस चलते चलते उपस्थित जनों की मानों की संख्या बढ़ती ही चली गई। श्री अरुण सक्सेना जी को भी पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया, उनको ताल बजाई गई और इसी तरीके से आए हुए विशिष्ट उपस्थित अतिथियों का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। और सबसे ज्यादा जो उत्साहवर्धक, जो उत्साहजनक कार्यक्रम था, एंथुजियास्टिक प्रोग्राम था, वो था श्री सिन्हा को चांदी का मुकुट पहनाया जाना। जी हाँ, प्रोग्राम में उनको चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया गया। और इस तरह से ये पूरे का पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से निपटा और किसी प्रकार की अपनी घटना अथवा अनुष्ठानता देखने को नहीं मिली। वास्तव में लगा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए सभी लोगों ने गोपाल सक्सेना जी और रजत सक्सेना जी को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दिया और उनकी खुशी बाई वही। गोपाल सक्सेना जी अपने कार्यक्रम में पूर्णतया सफल रहे।